ये 7 लाख रुपए जो जुर्माना लगा है और 10 साल की सजा है, ये बहुत सर गलत बात है। मतलब कि ड्राइवर एक्सीडेंट तो होते रहते हैं रोज, अब इसमें 10 साल की सजा भी है, ऊपर से 7 लाख का जुर्माना है। तो 7 लाख ना तो ड्राइवर जुर्माना भर पाएगा और ना 10 साल जेल में रह पाएगा, क्योंकि घर पे उसके बीवी बच्चे हैं और फैमिली है, जिसकी वजह से सर प्रॉब्लम आ रही है। इसी वजह से सर गाड़ी हम लोग स्ट्राइक पे हैं, सप्लाई बंद कर दिए हैं गैस की। तो अभी जिस तरह से सप्लाई बंद की है, उसका क्या कुछ असर है प्लांट पर, लोगों के? सर प्लांट पे इसका असर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्टॉक जो सिलेंडर का होता है वो काफ़ी 1-2 दिन का होता है। हम लोग टैंकर खाली कर नहीं रहे हैं, और वो सिलेंडर भी, गाड़ी वाले भी, ड्राइवर भी, वो भी हड़ताल पे हैं, वो भी खड़ी कर दिए हैं गाड़ी। इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, शहरों में ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि गाँव में तो लकड़ी से बना लेंगे लोग, लेकिन शहरों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी इसकी, अगर 2-3 दिन बंद रहा तो। ये जो सरकार ने कानून बनाया, बहुत गलत कानून बनाया है। ये जो 5 लाख रुपये 10 साल की सजा है, इतने रुपये ये हो तो हम गाड़ी क्यों चलाओ भाई साहब? 20% मोटरसाइकिल कार वाले ऐसे हैं जो शाम को गाड़ी वाले को जान के अड़ा देते हैं, और दारू का धंधे के लिए धंधा धंधा पानी बन जाएगा इससे। इसी से हमने परेशानी है। अगर कोई ड्राइवर दारू पी गाड़ी चलाता है, उसकी 10 साल की सजा बोल दो, हम सभी ड्राइवर सहमत हैं उसमें। हड़ताल कब तक रखेंगे? हड़ताल जब तक ये कानून वापसी नहीं होगा, जब तक हड़ताल रहेगी भाई साहब। काला कानून जो लाए हैं, जो ड्राइवर को खिलाफ मतलब वो बिल जो पास किए हैं, उससे हम लोग संतुष्टि नहीं है। तो इसलिए ये चीज तो हम करेंगे, तो हम लोग कैसे करेंगे? अगर नहीं कमाते तो फिर हम 7 लाख रुपए और क्या कहता है कि 10 साल का जो सजा है, दुर्घटना जो होगा, तो ये चीज से हम संतुष्ट नहीं है। क्या असर रहेगा इस पे ड्राइवर पे, इसका जो कानून लागू है? वापस करना चाहिए सर इसके लिए तो। हाँ, ये वापस करना चाहिए, जब भी हम लोग चलाएंगे, नहीं तो हम लोग गाँव घर में बकरी उकरी चला लेंगे, लेकिन ये चीज हम नहीं करेंगे। क्या खतरा लग रहा है कानून से? कानून से यही खतरा है सर कि देखो, अगर ये चीज रहेगा तो हम लोग कैसे चला पाएंगे, कैसे गाड़ी चला पाएंगे? मान लो हम लोग तो एक चींटी भी मिलता है रास्ते में, या सांप जो होता है काटने के लिए, जो जहरीला होता है, उसको भी हम लोग सोचते हैं कि जो हम उसको बचा के अपना निकालेंगे गाड़ी। हम लोग तो अपना सेफ्टी में चलते ही हैं, हम लोग को ट्रेनिंग भी होता है इस चीज के लिए, लेकिन अभी सा पता नहीं ये चीज के लिए क्यों ऐसे कर रहे हैं, ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। बाकी ये चीज से हम लोग संतुष्ट नहीं है, जितने भी ड्राइवर लोग हैं, जो भी छोटी बड़ी गाड़ी जो भी है, इस चीज से हम संतुष्ट नहीं है।